Welcome back to my YouTube channel Nursing to Nurse. I hope you all doing well और आप सबकी preparation for NORSET अच्छे से चल रही होगी। I know कि बहुत ज्यादा time हो गया कि मैंने NORSET के ऊपर कोई video नहीं डाली है और उसका reason भी मैंने आपको बताया था क्योंकि मुझे proper response नहीं मिल रहा था। Video में आप देखना जो भी मैंने NORSET की video डाली उसमें एक भी चीज फालतू की नहीं है, सारी की सारी चीज रिलायबल है, कोई भी चीज फेक नहीं है, ठीक है। NORSET के लिए अब सिर्फ बचे हैं आपके पास 10 दिन, तो उस 10 दिन में आपको 10 डेज में आपको 10 थिंग्स जो है वो फॉलो करनी है सो दैट आप कभी मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में NORSET क्लियर हो जाए, ठीक है। NORSET क्लियर करना इतनी बड़ी बात नहीं है, सब बस चीज ये है कि आपको जो सारी चीजें फॉलो करनी है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो आपको कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है 10 दिन में सो दैट आपका NORSET इस बार पक्का क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 10 डेज 10 थिंग्स टू डू फॉर NORSET 2023। तो सबसे पहली चीज हमारे पास 10 डेज में क्या है वो है बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब तक आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप NORSET क्रैक कर सकते हो, यू नेवर क्रैक NORSET एग्जाम, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आपको मोटिवेट करके रखना है कि आपको NORSET एग्जाम क्रैक करना है। जहां पे भी आपने ये लूज कर दिया कि मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, इस टाइम भी नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मुझे तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, ऐसी सारी चीजें अपने माइंड से निकाल दो और सिर्फ पॉजिटिव चीजें अपने अंदर रखो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज है बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। देन नेक्स्ट चीज ये है, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर ली होगी, बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, सारी चीजें आपको आ गई होंगी माइंड में, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, उस चीज को मेंटेन करके रखना है। तो बी कंसिस्टेंट, जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसे मेंटेन करके रखना है। आप जिस तरह से अभी तक पढ़ाई कर रहे थे उसी तरह से ही आपको अपना पढ़ाई का जो लेवल है उसी तरह से ही रखना है। ये मत सोचो कि सिर्फ 10 दिन बच गए अब छोड़ो बाकी चीजें कर लेते हैं, नहीं करना, जिस तरह से कर रहे थे सिर्फ उसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। देन हमारा थर्ड चीज है फोकस ऑन वन बुक ओनली। ये सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है उनके लिए जो एक साथ कोशिश करते हैं 3-4 बुक्स को पढ़ने की। एक बुक पढ़ते हैं फिर उन्हें दिखता है कि उसकी फ्रेंड तो वो वाली बुक पढ़ रही है, फिर वो वाली बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं वो कोई और बुक रिकमेंड करते हैं, फिर वो बुक स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, आपको 3-4 बुक के बीच में नहीं फंसना है, सिर्फ एक बुक ही पढ़नी है, जो बुक आपने स्टार्ट करी थी आपको उसी बुक को कंटिन्यू करना है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी सिर्फ एक बुक उठाई थी NORSET के लिए और सिर्फ मैंने उस एक बुक को ही अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो फोकस ऑन वन बुक ओनली। फोर्थ है हमारा पॉइंट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज की उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। आप जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं थे वो अभी बहुत कम टाइम है उसको क्लियर करने के लिए, तो जितने कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करो सो दैट वो आपका एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पार्ट बन जाए। तो अब हमारा फिफ्थ चीज आपको जो फॉलो करनी है वो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि NORSET का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। इस चीज पे अगर तुमने फोकस नहीं किया तो NORSET में रह जाओगे। अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, अगर आपने अभी तक थ्योरी ही पढ़ी है, थ्योरी के ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इमेज पे फोकस नहीं किया है, तो अभी भी 10 दिन मतलब बहुत ज्यादा टाइम है इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने का मैंने आपको तरीका पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी आप किसी भी बुक में कुछ भी पढ़ रहे हो
कोई डिजीज की सिम्टम पढ़ रहे हो, उसको जाओ गूगल पे करो सर्च, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम पढ़ा आपने, कोई डिजीज सिम्टम पढ़ा, कोई मेडिसिन पढ़ी, उसको करना है गूगल पे सर्च। देन उसकी इमेज को देखना है, याद करने की कोशिश करनी है। देन उसको लेना है आपको स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और उस न्यू फोल्डर का क्या करना है, जब भी आप सोने जा रहे हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम है, जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, उस फोल्डर को खोलो और उसको सारी इमेज आप देखते जाओ और रिवाइज करते जाओ, इस इमेज के बारे में आपने क्या पढ़ा था। इस तरह आपका जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो उसका जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके 10 से 12 आएंगे, यानी 10 टू 12 मार्क्स आपके फिक्स हो गए, आपके अपने हाथों में हो गए। और आपको पता है नॉर्थ सेट में सिर्फ एक मार्क्स की वजह से रैंक इतनी आगे पीछे जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो हमारा सिक्स पॉइंट क्या है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब ये ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो आप सोच रहे हो, डिस्ट्रैक्शन सारी चीजों से होती है। लाइक आपने कोई YouTube चैनल देख रहे हो या YouTube वीडियो देख रहे हो, और वहां पे उन्होंने आपको कुछ और चीज बता दी जो आपसे मैच नहीं कर रही है, तो ऐसी चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। आपके हिसाब से जो चीज सही है वो चीज करो। फालतू की जो रूमर्स होती है, फालतू की जो लोग चीजें बताते हैं, उस चीज पे फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना है। उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होते हैं, लाइक आपको इंस्टाग्राम चलाने की आदत है, आपको इधर उधर की बातें करने की आदत है, ये सारी चीजें भी नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है। तो इस 10 दिन के लिए अगर आप ये सारी चीजें बंद भी कर दोगे तो भी आपकी लाइफ खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है, बल्कि उल्टा आपकी लाइफ ज्यादा सेट होगी, ठीक है। तो ये ना हमारा अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देन हमारा सेवेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लो, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये है आपको कंट्रोल करनी है अपने नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। नेगेटिव मार्किंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शन में, तो आपको कंट्रोल करना है नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग टू गेट अ सीट, टू गेट सिलेक्टेड इन नॉर्सेट एग्जाम, ठीक है। तो कंट्रोल करना है आपको नेगेटिव मार्किंग पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारी रैंक बहुत पीछे चली जाती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूल, या आप जो भी कहना चाहते हो। अब सिर्फ आपके पास 10 दिन का टाइम बचा है, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपका एक सिंगल सेकेंड भी वेस्ट ना हो। एक मिनट भी अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसको आपको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो आपको एक सिंगल सेकेंड या एक सिंगल मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करना, इस तरह से अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करना है, इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 9th पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट डेट्स। अब इसको कैसे कवर करना है, आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी मैनेजमेंट है, और आपकी जो जीके की पोर्शन है उसमें बहुत सारी नॉर्सेट क्रैक कर सकूं, और मैंने नॉर्सेट क्रैक किया, और मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इस चीज को फॉलो करें, सो दैट आप भी नॉर्सेट को क्रैक कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।